आ कंपोनेंटा दी आवाज चक्यो जी, क्यों भी गेड़ी रूट आ लियो, सुन दे नी एसबीए वालियां ने यारी ला के वेख नी जेनुइन कम गड्डियां दा कोई फेक नी रोल्स रॉयस होवे पावे होवे जेन नी इंजन ने खोले भी एट भी टेन नी जर्मन पेंट यूज कर दे एजेंसी दा मुल पूरा पा देंदे दित्ती होई करंसी रात ने मकैनिक ते चोटी देने पेंटर सिरा एडवाइजरा दे हाथ देख रेख नी एसबीए वालियां ने यारी ला के वेख नी एसबीए वालियां ने यारी ला के वेख नी पहला खुद नू नी उठ के सवार दे नेगेटिव ऑफसेट उत्ते बफ मार दे ओ किती गड्डियां दे उत्ते नोट वार दे रिम ने स्टॉक पेंट कस्टम मार दे ओ जीपा दे जिप्सिया भी ने बिल्ट कर दे बंब ने डिजाइन 4 इंच लिफ्ट कर दे टेरा दी चढ़ाई मात पाउंदी बीबा टैंकन शौक जे ना पुगे फेरे करना कि रैंका नू भाई सभी भाइयों ने राम राम सारे भरावां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल सलाम वालेकम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ एसबीए प्रीमियम मूड गैराज। आज हमारे साथ जो ब्यूटी खड़ी हुई है दैट्स ऑडी 8। छोटी सी कहानी है जो हम आपको शेयर करना चाहेंगे कि ये कैसे गाड़ी हमारे पास आई और इस पर हमने क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले तो ये गाड़ी हमारे पास जिनकी ये गाड़ी है उनके पायलट साहब यानी कि ड्राइवर साहब हमारे पास आए थे गाड़ी लेकर एंड उन्होंने सारी स्टोरी बताई। सो बेसिकली द ओनर इज़ लिविंग इन अमेरिका और इन कैनेडा, ही इज़ लिविंग आउट ऑफ इंडिया। उनके साथ हमारी बात हुई थी फ़ोन के ऊपर, वो ड्राइवर साहब ने करवाई थी, पहले कहीं से रैप करवाई, वो रैप उनको पसंद नहीं आया, रैप उतारा उन्होंने, फिर उन्होंने बेसिकली ये गाड़ी के ऊपर पेंट करवाया, पेंट जॉब करवाया कहीं बाहर से, वो पेंट जॉब भी उनको पसंद नहीं है। अब इवेंचुअली जिन्होंने पेंट जॉब किया था फिर उसके बाद उन्होंने रैप दोबारा से करवाया गाड़ी के ऊपर, 3 बार ऐसे गाड़ी के ऊपर पेंट रैप चेंज होता गया। इवेंचुअली वो जो रैप था वो दोबारा से उतरना शुरू हो गया जिसकी वजह से उनको दिक्कत आई। देन इवेंचुअली दे अप्रोच्ड अस कि हमने गाड़ी ऐसे ऐसे करके करवानी है और फिर हमने उनकी गाड़ी पकड़ी और सबसे पहले तो हमने रैप उतारा। इसकी रैप उतारते हुए की वीडियो हमने डाली हुई यूट्यूब पे, हम कोशिश करेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने का आपके लिए। जब हम रैप उतार रहे थे अगेन इसका जो पेंट है क्लियर कोट है वो उतर रहा था मेरे भाई। सो 2 वजहों से वो हो सकता है, एक तो पेंट का बेस सही नहीं बना, दूसरी बात जो मेजरली हो सकती है कि रैप जब आप करवाएं ना तो वो बहुत अच्छी कंपनी का करवाएं एंड यू नीड टू भाई, हमारे कई भाइयों को ना एक मिसकंसेप्शन है कि यार रैप सस्ता है पेंट महंगा है तो रैप करवा लेते हैं हम। तो जब वो रैप करवाते हैं, जब वो उतारते हैं रैप, तो पेंट साथ की साथ उतर जाता है गाड़ी का और इवेंचुअली उनको फुल बॉडी पेंट दोबारा से करवानी पड़ती है गाड़ी। एंड जब हम फुल बॉडी पेंट करवाते हैं ना यार, ये देखो 2 बार पेंट का, हमारे पास कितनी गाड़ियाँ ऐसी आती हैं जो 2 बार पेंट हो चुकी हैं, 3 बार हो चुकी हैं, रैप्स उतर चुके हैं, चढ़ चुके हैं, बेसिकली मोर देन मनी आप अपनी गाड़ी भी ख़राब कर रहे हैं। एक शीट के ऊपर कितनी बार ट्रीट करें उसको, कितनी बार उसका बेस बनाएं, कितनी बार उसको सैंडिंग करें, तो मेरे ख्याल से आप मोर देन मनी आप अपनी गाड़ी ख़राब कर रहे हैं। और दूसरी बात है, भले ही रैप करवाएं, भले ही पेंट करवाएं, बहुत अच्छी क्वालिटी का करवाएं, हमने कभी भी रैप सब स्टैंडर्ड नहीं करवाया। उसका रीज़न यही है, हमारे पास काफ़ी गाड़ियाँ आती थी जो ये बोलती थी कि यार हमें कुछ टाइम के लिए सिर्फ चाहिए, आप कर दो जैसा भी होएगा। हमने कभी भी सब स्टैंडर्ड काम नहीं किया भाई और ना ही हम करेंगे। हेक्सिस का हम रैप यूज़ करते हैं, पीपीएफ यूज़ करते हैं, विच इज़ गोना कॉस्ट समवेयर अराउंड 1.5-1.5 लाख रुपये गाड़ियों से स्टार्टिंग होती है। अब आपका अगर उसका बजट नहीं है डोंट गो फॉर इट। अगर मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई और बेटर ऑप्शन होती हम वो कर रहे होते अभी तक, क्योंकि हम क्लाइंट्स को वापस भेज रहे हैं। तो मेरे भाई एक तो बात ये, दूसरी बात ये है अगर आप पेंट करवा रहे हैं गाड़ी पे तो भी अच्छा करवाएं। अब
यही नहीं, काफ़ी गाड़ियां बाहर से पेंट होकर आती हैं, दो दो तीन तीन बार फिर आके यहाँ पे आती हैं। उससे बेटर ये है दो तीन बार बाहर पेंट करवाना, एक बार यहाँ से या किसी भी अच्छी वर्कशॉप से आप ढंग का पेंट करवाएं। वर्कशॉप सभी अच्छी हैं। अब आप एक चीज़ और गौर करें, इट्स अबाउट योर स्पेंडिंग पावर। हम ये नहीं बोल रहे कि सभी लोगों के लिए ये है, हमारे पास सिर्फ वो इंसान आ सकता है, हमेशा बोलते हैं, जिसको शौक से काम करवाना है गाड़ी का और जो पैसा लगाना चाहता है गाड़ी पे। अब ऐसा नहीं है कि हम उसमें से बहुत कुछ बचा रहे हैं, बट हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लेबर की जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा हम काम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेबर आवर्स लगते हैं गाड़ी पे, लेबर्स की ट्रेनिंग, लेबर की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स होती हैं। उसके अलावा जो माल यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल्टा के हम ऑथराइज डीलर हैं, तो बहुत महंगा मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो जाके ऐसी फिनिश आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स बार बार ख़राब होते हैं, उनको ठीक करवाना, नए लेना, दैट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ इन्वॉल्व्ड। तो तब जाके हम ऐसी क्वालिटी निकाल पाते हैं जिसमें हम खुद बोलते हैं कि यार अभी भी हम परफेक्ट नहीं है। सो यार जो पेंट का काम है, दैट्स अ वेरी टेक्निकल काम, साइंटिफिक काम है, तो काफ़ी बार गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार पैनल्स दोबारा से करने पड़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फैक्ट। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसी गाड़ी है तो आप अच्छी, अगर इफ़ यू हैव मनी, अब देखो जो गाड़ियाँ दो दो तीन तीन बार पेंट हो रही हैं, ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज़ द स्पेंडिंग पावर, उनके पास पैसे हैं, बट वो तीन चार बार रादर देन खर्चना, उसको एक जगह पे ढंग से उसको लगाएं ताकि आपकी गाड़ी अच्छी बने। तो ये जब हमारे पास गाड़ी आई थी, इस पर हमने बेसिकली बेस बहुत अच्छा बनाया। जब भी हम रैप उतारते हैं, रैप उतारने के चार्जेस हम इसलिए लेते हैं ज़्यादा, बहुत मेहनत लगती है उसका बेस बनाने में दोबारा से। सो रैप उतारा गाड़ी का, देन बेस बनाया, पेंट किया। पेंट का जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम ऑथराइज डीलर हैं स्टैंडॉक्स के। जब हम प्रीमियम गाड़ियों पे कोई भी पेंट करते हैं, स्टैंडॉक्स का ही करते हैं। एक्सेल्टा कंपनी के हम ऑथराइज डीलर हैं, जिसमें दो ब्रांड्स आते हैं, बार बार बोलते हैं स्टैंडॉक्स। डुक्सॉन प्रीमियम सेगमेंट पे हम नहीं करते हैं, बेसिक सेगमेंट पे करते हैं, प्रीमियम सेगमेंट पे हम करते हैं स्टैंडॉक्स। अब स्टैंडॉक्स जो है ऑफिशियली अप्रूव्ड है फ्रॉम BMW, मर्सिडीज, ऑडी। अगर आप एजेंसी में भी जाएंगे तो यही पेंट यूज़ होने वाला है, वर्ल्ड वाइड यही पेंट यूज़ हो रहा है, अप्रूवल्स इसको इन कंपनियों से मिले हुए हैं। एक्सेल्टा की वेबसाइट पर जाएँ, अप्रूवल्स चेक करें, जो भाई हमारे जिनको डाउट है, और हम उसके ऑथराइज डीलर हैं। तो ये पेंट जो है बहुत महंगा आता है भाई, 7,000 11,000 18,000 लीटर तक ये पेंट जाता है, इसलिए हमारे जो चार्जेस हैं मोटा मोटा बता देता हूँ, सभी गाड़ियों का यार डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट आप अगर छोटी गाड़ी लेके आ रहे हैं, बहुत ढंग का काम करवाना चाहते हैं, तो लाख रुपये से स्टार्ट होता है बजट समवेयर अराउंड, तब जाके हम ऐसी चीज़ निकाल पाते हैं जैसी हमें निकालनी चाहिए। प्रीमियम गाड़ियों पर ऑब्वियसली उसका बजट हायर होता है, एंड ऑल्सो डिपेंड करता है, कम ज़्यादा बजट हो सकता है थोड़ा बहुत, कैसे आपको कैसी क्वालिटी चाहिए, आपको ऑरेंज पील उतरवानी है, आपको डिटेलिंग करवानी है, आपको सिरामिक करवानी है, आपकी गाड़ी में कितनी डेंटिंग है, कितनी आपकी गाड़ी में स्ट्रिपिंग होनी है या नहीं होनी, किस लेवल की स्ट्रिपिंग होनी है, डेंटिंग। अब हमारे काफ़ी भाई बोल देते हैं यार हमारी गाड़ी में डेंट नहीं है, जब यहाँ पे आती है गाड़ी तो डेंट ही डेंट होते हैं उसमें। अब ये अगेन आप पे डिपेंड करता है, अगर आप हमें बोल रहे हैं ना आपकी गाड़ी में डेंट नहीं है, तो हम उस गाड़ी के डेंट नहीं निकालने वाले। तो जब गाड़ी प्रिपेयर हो जाए तब आप मत दिखाएं कि यार यहाँ पे डेंट है। अगर आप बोलेंगे, क्योंकि देखो हर की नज़र भाई की अलग अलग है, मेरे हिसाब से मेरे को अगर 100 में से 100 दोगे तब मैं सेटिस्फाई होऊंगा, किसी के हिसाब से 100 में से 70 चलेगा, किसी के हिसाब से 100 में से 35 चलेगा, किसी के हिसाब से 100 में से 33 चलेगा। जो डेंटिंग है वो आपको देखनी है, वो आपको हमें बताना है कि यार आप किस लेवल की फिनिश चाहते हो गाड़ी पे। कई भाई हमारे आते हैं कि यार हमें एक माइनर सा डेंट भी नहीं चाहिए, उनकी गाड़ी की डेंटिंग ही कई बार हमने गाड़ियों में किया, मैं सभी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, एट टाइम्स गाड़ियों की डेंटिंग ही 50,000-60,000 रुपये तक चले जाती है, 65,000 तक 70,000 तक, जिस तरह का भाई को काम चाहिए। अब ये काम हम करके बहुत पहले देख चुके हैं इनिशियली कि पहले लोग सारे डिस्काउंट मांगते हैं, डिस्काउंट के बाद जब गाड़ी दो तो फिर गलतियां निकालते हैं। सो बेटर है डिस्काउंट से, बेटर है सेटिस्फेक्शन। तो हम डिस्काउंट्स में बिलीव नहीं करते मेरे भाई, प्लीज़ आगे यहाँ पे वही लोग आएँ जो एक्चुअली अपनी गाड़ी पे स्पेंड करना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर लोग आएँ, काफ़ी भाई हमारे सर्विस क्लास भी ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी से इतना प्यार करते हैं कि वो ऑल्टो तक में उतना पैसा लगा देंगे जितना लोग मर्सिडीज़ पे नहीं लगाते। इट्स अबाउट योर लव एंड पैशन फॉर योर कार, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी डू यू अर्न।
काफ़ी भाई हमारे पास सेव करते हैं मनी और वो भी काम अच्छा करवाते हैं गाड़ी पे। सो इसका कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी भाई हमारे बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं कि ये अमीर लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हम खुद अमीर हैं और ना ही हमने वर्कशॉप ये सोच के खोली हुई है कि हम अमीर लोगों को एंटरटेन करेंगे। ये आपकी गाड़ी के लिए आपका प्यार है, कितना आप अपनी गाड़ी को प्यार करते हैं और किस हिसाब का आप काम चाहते हैं। सभी वर्कशॉप्स अच्छी होती हैं। अगर आपका आपसे कोई वर्कशॉप 20,000 पे ले रही है तो वो भी पूरी मेहनत मारने वाली है अपनी जान में। अगर कोई 50,000 ले रही है वो भी पूरी मेहनत मारने वाली। कोई भी इंसान ये सोच के काम नहीं करता कि उसने गंदा काम करना है। बस ये है कि आप किस लेवल का काम दे रहे हैं उस हिसाब से आपका एक बजट होता है। आप एक पेंट के रेट्स रखते हैं या मैकेनिकल वर्क के रेट्स रखते हैं। आपने सिनेमैटिक्स इसके साथ के साथ देख ही लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये गाड़ी का काम पसंद आए। एंड अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसको आप करवाना चाहते हैं, पेंट, सर्विस, रिपेयर, मैकेनिकल जॉब, डिटेलिंग, सिरामिक, कुछ भी करवाना चाहते हैं, कॉल करें 9879834 27 एंड SBS देयर टू हेल्प यू आउट। एक और चीज़, काफ़ी भाई हमारे पूछते हैं कि आपके पास पेंट बूथ है, पेंट मिक्सिंग बूथ है। हमारे स्टैंडर्ड्स हमने अपनी तरफ से बेंटली के लेवल तक के रखे हुए हैं कोशिश करके, और हम काम भी बहुत अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई, पेंट बूथ, पेंट मिक्सिंग बूथ, कौन सी साटा की गन्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली वी हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑन दिस, बट हमें पता है ये चीज़ें हमारे लिए सेकेंडरी है, सबसे प्राइमरी है पैशन। हालांकि ये सब कुछ अवेलेबल है, बट इसके बाद भी अगर आप में पैशन नहीं है तब भी आप क्वालिटी नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ें तो मेरे भाई सब हैं ही, आके आप देखें। वीडियोस में भी हम दिखाते ही रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखें, यूट्यूब पेज पे जाके देखें, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। क्वालिटी का जॉब देने के लिए बहुत कुछ लगता है मेरे भाई, और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं आपके चेहरे पे स्माइल देखने के लिए। गड्डियां आ जाए, चीखा कढ़ानियां बाइक कॉल।